जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेदों के भाग तीन से संबंधित है। दोस्तों भाग दो तक हमने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण आर्टिकल को समझने का प्रयास किया था, जो भाग दो में हमने लास्ट में 231 आर्टिकल तक हमने याद कर लिए थे। ठीक है, आज 231 से अबव आर्टिकल को हम याद करने का प्रयास करेंगे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसके इसी क्रम में जो हमारा आगे का आर्टिकल आता है वो होता है हमारा आर्टिकल 249। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 249। ये दोस्तों ये अनुच्छेद 249 में, ठीक है, अनुच्छेद 249 में एक विशेष प्रावधान है। इसमें जो होता है, जैसा कि हमने अनुसूची की वीडियो लेके आए थे हम, ठीक है, उसमें हमने अनुसूची सातवीं पढ़ाई थी। उस अनुसूची सातवीं के तहत एक सूची थी राज्य सूची। ठीक है, कौन सी सूची थी दोस्तों? राज्य सूची। उस राज्य सूची में जो राज्य जो विषय दिए रहते हैं उस पर राज्य सरकार कानून आती, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, एक विशेष प्रावधान है कि कोई राज्य सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्र के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो। तो समझ में आया होगा दोस्तों अनुच्छेद 249 क्या है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है राज्य सूची पर कुछ स्थितियों में। ठीक है दोस्तों, फिर इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 262। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 262। अब इस अनुच्छेद 262 में जो है हमारा नदी जल विवाद है, राज्यों के मध्य, ठीक है, विभिन्न राज्यों के मध्य जो जलाशय और नदी के पानी के बीच प्रयोगों के बीच जो विवाद होता है, ठीक है, उस विवाद को, ठीक है, संसद जो होती है वो अनुच्छेद 262 तहत, ठीक है, न्याय निर्णय करती है। क्या करती है? न्याय निर्णय करती है। तो राज्यों के मध्य नदी जल विवाद कौन से आर्टिकल में? 262। राज्यों के मध्य नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी आर्टिकल हमारे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 263 के तहत इसमें अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतरराज्यीय परिषद का गठन। और ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। ठीक है, और इस अंतरराज्यीय परिषद का गठन का अधिकार जो है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को है। किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय जी को है। ठीक है, और इसकी जो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं इस बैठक के परिषद के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। और यदि प्रधानमंत्री मौजूद ना हो तो इसके द्वारा चुने गए कैबिनेट का कोई भी मंत्री इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये तीनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। अब चलिए इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 249 जो है, ठीक है, अब अनुच्छेद 249 उसमें क्या है? राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, विशेष प्रावधान है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 262, उसमें राज्यों के मध्य नदी जल विवाद है। ठीक है, और इस नदी, अब ऐसे भी इसको दूसरे वाले को अपने जोड़ लो, ठीक है, जो नदी जल विवाद है उसको सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कराया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये एक दूसरे आप जोड़ के प्रयास करोगे याद करने का, ठीक है, तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो कभी हमें रटना नहीं है। तो अनुच्छेद 249 में क्या था? राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और 205 में क्या? राज्यों के मध्य नदी जल विवाद था। ठीक है, जो नदी जल विवाद था जो हमारा, उसको संसद जो होती है आराम से न्याय निर्णय उसको न्याय अच्छा न्याय देगी। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 263 जो है उसमें क्या? अंतरराज्यीय परिषद का गठन। और अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय जी को है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इसकी यदि प्रधानमंत्री मौजूद ना हो तो इसके द्वारा चुने कैबिनेट का कोई मंत्री इसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नया अनुच्छेद
अनुच्छेद 266, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 266 के तहत हमारी संचित निधि आती है, जैसा कि आप सभी को बताया क्या था, संचित निधि आती है, संचित निधि। तो ये संचित निधि जो होती है, ठीक है, राज्य मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, के जितने भी कर होते हैं वो संचित निधि में रखे जाते हैं, ठीक है। और इसी संचित निधि से ठीक है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके पदाधिकारियों को वेतन मिलता है, जैसे राष्ट्रपति जी महोदय हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इन सभी को कहां से वेतन मिलता है दोस्तों, संचित निधि से, जो हमारे आर्टिकल किसमें है, 266 में। समझ में आया होगा दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 267, कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 267, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आकस्मिक निधि है, क्या है दोस्तों, आकस्मिक निधि। तो अभी हमने दो निधियां पढ़ी, पहले 266 पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या संचित निधि, संचित निधि में केंद्र सरकार जितने भी कर रहे हैं वो संचित निधि में रखे जाते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने पदाधिकारी हैं उनको वेतन कहां से मिलता है, संचित निधि से मिलता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुआ, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी हुए, राज्यपाल हुए, मुख्यमंत्री, इसको कहां से वेतन मिलता है, संचित निधि से वेतन मिलता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा 267, उसमें आकस्मिक निधि का वर्णन मिलता है हमें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर नेक्स्ट है हमारी आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये सभी इंपोर्टेंट है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें हमारा वित्त आयोग है, क्या है दोस्तों, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 280। नेक्स्ट आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, तो ये अनुच्छेद 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवा है का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS हो गया, ठीक है, क्या है दोस्तों 312 में, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के रूप में जैसे IAS हो गए, ठीक है, IAS PCS वगैरह चुने जाते हैं 312 के तहत, ये इसमें देश की सेवा का की बात कही गई है, IFS हो गया, ठीक है, तो ये पद कहां आते हैं हमारे अनुच्छेद 312 में। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और आप अच्छे से अनुच्छेद जो पीछे जो वीडियो आए थे, ठीक है, उसको आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, ठीक है, और साथ साथ में याद भी किया होगा, समझा भी होगा। तो चैनल पे बने रहिए, क्रम से आपको जो वीडियो प्राप्त होती रहेगी उसको समझने का प्रयास करेंगे और हमारी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। फिर इसी क्रम में हमने आर्टिकल 312 तक संपूर्ण जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनको हमने समझने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण किताबें आती हैं उस पर भारतीय संविधान की, उसको लेके आइए, ठीक है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है महत्वपूर्ण आर्टिकल में से निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण आर्टिकल समझने का प्रयास करेंगे, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग से देखिएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग से हमें एक आर्टिकल याद रखना है, ठीक है, वो एक आर्टिकल जो हमारा 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन आयोग का गठन है, ठीक। तो निर्वाचन आयोग, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का वर्णन या का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो 324 लगा के आएंगे, या 324 में किसका वर्णन मिलता है, ऑप्शन 3 गलत, 1 सही, निर्वाचन आयोग टिक लगा के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी आर्टिकल समझ में आया, 1 से 2 बार पढ़ें, जिससे क्या हमें हमेशा के लिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद हो पाए, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 315 हो गया था हमारा, अनुच्छेद
335 अनुच्छेद 335 के तहत, ठीक है, इसमें सेवा पद के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई है। क्या कहेंगे दोस्तों? सेवा पद के लिए विशेष आरक्षण। आरक्षण तो समझ में आया होगा दोस्तों, यहां तक हमें कोई समस्या नहीं थी समझने के लिए, ठीक है। फिर नया अनुच्छेद है हमारा इसी क्रम में 338, अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338, ठीक है। इसमें हमारा जो है एससी आयोग है, क्या है दोस्तों? एससी आयोग, ठीक है, आयोग अनुसूचित जाति, ठीक है। इसका ये एससी आयोग कहां मिलता है? अनुच्छेद 338 में मिलता है, ठीक है दोस्तों। एक आर्टिकल 338 ए है, ठीक है, 338 ए, इसमें क्या हमारा एसटी आयोग है, क्या है दोस्तों? एसटी आयोग है, क्या है? एसटी आयोग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों समझ में आए होंगे। 338 एससी आयोग बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 338 एससी आयोग, ठीक है। फिर 338 ए एसटी तुरंत आ गया, ठीक है, तो एसटी आयोग। फिर आर्टिकल नया है हमारा 340, अनुच्छेद 340। इस अनुच्छेद 340 में हमारा ओबीसी आयोग है, क्या है दोस्तों? ओबीसी आयोग, ठीक है। तो तीनों को, अब इन तीनों को एक साथ पढ़िएगा, जैसे वहां चार को हमने एक साथ पढ़ा था, अब इन तीनों को एक साथ, ठीक है। 338 में एससी आयोग हो गया, 338 ए में हमारा एसटी आयोग हो गया, 340 में ओबीसी आयोग हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा राजभाषा से एक आर्टिकल है, राजभाषा से उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343, इसमें हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी का वर्णन मिलता है, हिंदी का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी कहाँ है? अनुच्छेद 343 में, ठीक है दोस्तों। तो ये याद हो गए होंगे दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेदों की ओर, ठीक है दोस्तों। तो आपने नोट किया होगा और अच्छे से समझने का इसको प्रयास किया होगा। फिर अब हम पढ़ते हैं कुछ राष्ट्रीय उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपात उपबंध, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें आपात उपबंध से जुड़े हुए तीन अनुच्छेदों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे याद करते हैं चुटकियों में। 300 अनुच्छेद 300 हमारा 52, ठीक है, और 356 और अनुच्छेद 360। अब देखिए इन तीनों को हम कैसे याद करते हैं, इन तीनों को हम अच्छे से कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 जो है हमारा, कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, आपातकाल, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है दोस्तों? 352 के तहत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों याद हो गया हो, अनुच्छेद 352 कहाँ है, मतलब में क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कौन सा आर्टिकल है? 352 में। और 356 क्या है? इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? 356 के तहत। तो याद हो गया दोस्तों राष्ट्रपति शासन क्या? 356। 352 में क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन।
अब 360 जो है हमारा, इसमें वित्तीय आपातकाल है। क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। तो दोस्तों हो गया हमने तीनों याद। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 352, 56, 60। देखिए चार चार कम, इसमें हमने चार जोड़ा 56 हो गया, 56 चार जोड़ा 60 हो गया, 300 300 तो है। ठीक है, तो 52, 56, 60 हमारा 52 क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। 56 क्या था? राष्ट्रपति शासन। और 60 में क्या? वित्तीय आपातकाल। याद हो गया हो दोस्तों, और आपने इसको नोट भी किया होगा। फिर नेक्स्ट हम छेद हम पढ़ते हैं, अपने आप अलग से इसको याद करने का प्रयास करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान, संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इन चारों को अच्छे से याद कर लिया होगा। 52 में क्या था? राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल। और 56 में क्या? राष्ट्रपति शासन। 60 में वित्तीय आपातकाल। हाँ दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा। तो दोस्तों अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हमारे भारत में। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी हमारे भारत में नहीं लगा है। तो इसको कभी आप लगा के नहीं आए, सीधे उसमें ऑप्शन दिया रहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या अभी तक नहीं। ठीक है, तो उसको ही लगा। 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर एक आर्टिकल हमें और याद रखना है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों बस, अनुच्छेद 370। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गई। तो ये धारा अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था 370 के तहत, लेकिन इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 5 अगस्त को इसको हटाया गया। ठीक, तो इसमें क्या था? जम्मू कश्मीर को एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। ठीक है दोस्तों, है नहीं, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उसको तीन वीडियो में हम लेके आए, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर, मतलब याद कर पाए। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में नोट भी करते जाएं, और 102 बार वीडियो को देखिए आप। इसको कंप्लीट जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों कुछ आपको लगते हो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसको आप अलग से पढ़ लेना। ठीक है, फिर मुझे तो लगता नहीं, जितना भी वनडे एग्जाम होते हैं इनमें से कहीं इनसे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं आर्टिकल जो हमारे चुनिंदा हैं, इतने तो दोस्तों आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगामी वीडियो जो होगी दोस्तों आपके लिए जल्दी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।